Assalamualaikum and hello people, what's up? Welcome back to Shogadak Reaction. मैं मोहम्मद शाविज. मोहम्मद इनायत. ओके, सो डेफिनेटली मैंने आपको रमजान ड्रामास के बारे में बोला था कि किस तरीके से रमजान में वहाँ पर ड्रामास चलते हैं. तो उसके बाद हमें एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिली कि रमजान के 30 दिन रात में 9 बजे 8 बजे शोज आते हैं, जो कि रमजान के महीने में ही 30 एपिसोड 28 एपिसोड जो भी उसके खत्म होते हैं. एवरीडे नो आई थिंक मंडे टू फ्राइडे भी आता है, मंडे टू सैटरडे. बट एक बंदे ने किया था कि 30 डेज कर को बोल के, लेकिन मैंने कुछ जगह पे देखा कि मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, समथिंग लाइक दैट. सो चौधरी एंड सन्स वन ऑफ दोस ड्रामा जो कि रमजान में आने वाला है, जो कि आई थिंक पहला रमजान कल है तो कल ही शुरू हो जाएगा. सो देयर इज अनदर ड्रामा दैट्स कॉल्ड हम तुम. इसमें है अहद रजा मीर इन द लीड रोल और रमशा खान. अहद रजा मीर को जानते हो? नो, मतलब जब देखूंगा तो जान जाऊंगा. एहदे वफा, ही इज अ हस्बैंड ऑफ सजल अली. अच्छा अच्छा. ओके, एंड रमशा खान, यू रिमेंबर इश्क किया ड्रामा? फिरोज खान, हानिया आमिर, इश्क किया एक ड्रामा के ओएसटी के हम लोगों ने रिएक्ट किया था. कितनी मेमोरी कम है यार बंदे की है. क्या था? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन द टीजर्स. एंड आई थिंक इसके 3 टीजर्स हैं और एक फर्स्ट लुक है. सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विद टीजर नंबर 1. सो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी डिटेल्स हमने दी हैं. ओके, डू अपोजिट्स रियली अट्रैक्ट और इज इट ऑल और फार्स हम तुम? ओके ओके, गुड कॉन्सेप्ट. लेट्स स्टार्ट. ओके, करती रहोगे या गाड़ी चलाओगे? प्रोफेसर की औलाद और एक नंबर की जाहिर और खुदसर. खुदसर इनकी कौन सुनता है? चिंतर बेटियों की लाइन आपकी वजह से नहीं लगी है. अभी एक्स वाई की डिटेल बता दी ना, तो फिर इतना वेल ऑर्गेनाइज, मैं तो इम्प्रेस हो गई. यार जाकर तो तीर लगा निशान. टीजर 3 का क्यों रख दिया भाई लिंक यहाँ पे? टीजर 2 का डालना चाहिए ना आफ्टर 3. टीजर नंबर 2 हम लोग सर्च करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट टीजर नंबर 2. यस, आप जिसका क्रश है ये काम उसी को करने दीजिए. ओह आई नो, विद चीज बॉल्स है, मैंने अभी बनाए आपको कहे तो बुझो. चल क्या रहा है? फिलहाल तो सिर्फ 1 वे ट्रैफिक चल रहा है. खाना तो आप अच्छा बनाते हैं लेकिन बातें भी अच्छी बना लेते हैं. और आप क्या करती हैं? बीफ और वेजिटेबल लज़ानिया बनाए, टोटली नो कैलोरी. मैं उस खाने की मशीन से तो शादी नहीं कर सकती. पता नहीं कौन लोग हैं जिनके दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है. मेरे तो रास्ते में हडल ही हडल है. हम तो हडल ही हडल है. हडल ही हडल है. वो हडल बोलने का अच्छा था. हाँ. ओके, टीजर नंबर 3. भाई ये सर्च करना नहीं होगा भाई, तो क्यों ऐसे कर रहे हो यार हम टीवी वाले. ओके, टीजर नंबर 3. वाह, बड़ी माल मंडी इकट्ठी कर रखी है तुमने भाई. चार चार डीएचए में प्लॉट्स, कमर्शियल शॉप, ऊपर से लाखों रुपए के प्राइस बॉन्ड भी. सब कुछ बच्चियों का ही है. बच्चा नहीं है, बच नहीं है, मेरे हाथों से. वो खानदान समझ भाई के लायक है ही नहीं. सुन ली होगी तुमने अपने सबोले भाई की बातें. मैं नहीं करता डिजर्व उसके खाने. तो वहां कौन सी 30 बार खाने वहीं से नाम लो भाभी का. हम तुम. ओके, अच्छा हम तुम तेरे दिल विच हैं हम तुम. इट वाज अ फिल्म राइट, सैफ अली खान. सो यहां तक कि यहाँ तक के टीजर्स पे आपकी क्या टिप्पणी है? लाइक द डिस्क्रिप्शन गोज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स या फिर इट्स ऑल ऑफ आर्स. जो लिखा है वो वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. आई थिंक 3 ही है. नहीं, देयर वाज अ फर्स्ट लुक कुछ था जो कि आई थिंक सजेशन में आया था मोर देन. मैंने एक ये डाला था, मतलब कि एक वोटिंग डाला था, मतलब कि इसके कितने टीजर्स हैं. 3 हैं 4 हैं या मोर देन 4 हैं, तो मोर देन 4 करके आया था. सो डिजिटल प्रोमो, डिजिटल प्रोमो. ओके, आई थिंक विल वॉच दिस ओनली दिस नाउ. 4 के ऊपर क्लोज करते हैं हम लोग. ओके, तो डिजिटल प्रोमो लेट्स स्टार्ट. हर खूबसूरत लड़की को इंतहाई मनहूस लड़का ही पसंद आता है शादी के लिए. नहीं बाबू ठीक है. हाँ, इंतहाई मनहूस. तेरी किस्मत की तरह तेरी फेस वैल्यू भी कोई नहीं. आपके दिलों पिटल नहीं. अरे पूरा खेल का कुआं खोद दूंगा.
मरे हुए मक्खी से शहद निकालेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी लड़की पर नजर टिकाते हैं। जिस पर नजर टिकी हुई उसको भी एहसास ही। मैसेज आ गया। नहीं चाहिए डिस्काउंट वाला पिज्जा। हम तो यकूम। सो बेसिकली जितना मैंने नोटिस किया है रमज़ान के जो ड्रामास होते हैं वो ऐसे ही हैपनिंग वाले ही होते हैं। एक्जैक्टली हैप्पी जॉली जॉली होते हैं। जॉली जॉली वाले जैसे कि चौधरी अनशन हमने देखा वही था, हम तुम वही था। एंड जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पहले में सुनो चंदा, क्योंकि वही मुझे एक पता है जो कि रमज़ान में आए थे। सुनो चंदा सुनो चंदा सीजन टू, दो भी हैपनिंग यू नो लव स्टोरी इज हैपनिंग फन वाले। आई थिंक खुशी का माहौल में वो उसी तरीके के बनाते हैं। एंड आई थिंक ये लोग कोई भी ऐसे इंटेंस लव स्टोरीज वगैरह सब रमज़ान में नहीं बनाते। एंड दैट इज़ वेरी गुड यार। हर इवनिंग रमज़ान में यू नो सब इफ्तारी करके थकने के बाद फैमिली बैठ के एक साथ ऐसे हैपनिंग ड्रामा। रमज़ान में थकना ऐसा क्या होता है? फिर भी जनरली थकावट तो होती है यार ऑब्वियसली, एटलीस्ट घर की औरतों को तो ही होती है। हाँ, सब अरेंजमेंट्स हाँ, वो बोल सकते हैं कि मुझे तो नहीं, तो क्योंकि हम तो कुछ करने को होता नहीं। हम आप तो, क्या करते हो? आप बैठते तो, हो टाइम पास करते हो, इफ्तार के बाद काम करो उतना ही, वही होता हाँ, है अभी बेसिकली। हमारे यहाँ पर सुबह और रात बहुत डे, आई थिंक मैंने ये भी चीज़ देखा कि वहाँ पर भी लोग सहरी के बाद ही एक साथ सोते हैं। मे बी पाकिस्तान में, आई डोंट नो भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो सुनो चंदा के साथ था, वहाँ पर ड्रामा चलता ही रहता है, बातचीत चलती रहती है, सहरी का टाइम हो जाता है, सहरी करते हैं वो लोग। सो आई थिंक वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है, जैसे बिकॉज बेसिकली क्या है कि हम दोनों एक साथ सोते हैं सहरी के बाद ही, सहरी करने के बाद ही। अलग अलग अपने घर में, मेरे घर में हाँ एक साथ नहीं सोते, एक साथ सिर्फ हम लोग वीडियो पर शूट करते हैं। इतनी नज़दीक तो हम सिर्फ वीडियो में ही बैठते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी चेक कि इफ्तार टाइमिंग क्या होता है बोल के पाकिस्तान में। आई थिंक सेम ही होगा ना, एक 5-10 मिनट आगे पीछे देख लेंगे ना एक बार क्या हो जाएगा। वही सेम है 6:40 6:50 वही टाइम है 6:50 यहाँ पर 6:42 समथिंग है 6:50 हाँ वही टाइम है हाँ वही 5-10 मिनट आगे पीछे बस। नहीं बट आई एम सेइंग कि थोड़ा ऐसे कंट्रीज होते हैं ना जहाँ पे इफ्तार मतलब सहरी 2 बजे होती है 1 बजे होती है, बिकॉज के वहाँ का टाइम जोन जो है जो कि सन टाइम जो है निकलना वो डिफरेंट होता है। बट बिकॉज पाकिस्तान इंडिया नज़दीक है सेम सेम थोड़ा बहुत होगा। आई थिंक यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो सऊदी दुबई में थोड़ा 2-3 घंटे का फर्क होगा टाइम, लेकिन वहाँ पर भी हमारे टाइम से फर्क है, लेकिन आई थिंक इफ्तार एंड सहरी टाइम विल बी सेम देयर ऑल्सो। नहीं नहीं अलग अलग है हर जगह एवरीवेयर, वो कुछ अलग होता है डिज़ाइन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इसमें जाओगे पोल्स नो वहाँ पे जो हेमिस्फीयर से जो ज़्यादा नज़दीक है वहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े रोज़ होते हैं 21 घंटे के रोज़ होते हैं 20 घंटे हाँ, वो आई हैव हर्ड अबाउट। फॉर एग्जांपल अगर आप इफ्तारी करो, आप इफ्तारी करके सिर्फ अगले 4 घंटे में यू अगेन यू विल हैव टू डू सहरी ओनली 4 आवर्स। मैंने सुना है तो and I think that is somewhere near the African places Arctic Antarctica us tarah pe ab US ka Canada ka alag alag hai because see Allah ne jo banaya hua hai the whole nizam ko wo biological matlab jo regional jo sorry geographical area ke hisab se banaya gaya hai roza ke roza kyun us waqt kyun nahi khana kis liye what is the best for human body to us wajah se alag alag jagahon se alag alag agar aap humko lagta hai ki thode roze bade hain wahan pe तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर मोस्टली जो रोज़े बड़े होते हैं वहाँ पे जहाँ पे ठंड की जगह है वहाँ पे भी थोड़े ये होते हैं और डिपेंड्स अलग अलग जगह पे। अब यहाँ पे अभी विंटर हमें आने वाला है, अभी अगले 3-4 साल में विंटर में आ जाएगा रमज़ान ऑब्वियसली, तब वहाँ पे तब यहाँ पे हो जाएगा 5:45 को रोज़ा खुलेगा और सवेरे 6 तक भी टाइम रहेगा, 5:50 तक भी टाइम रहेगा सवेरे, तो छोटे हो जाएंगे रोज़े यहाँ पे तो अलग अलग तरीके से। तो लाइक यू सेड के रात भर ऐसा हो सकता है कि शो के कारण भी बनाया होगा वहाँ पे कैसे थोड़ा और कंटेंट मिल जाए देखने को हमको कि थोड़ा और हो जाए यहाँ पे तो मे बी दैट्स व्हाट। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ मैंने भी देखा है हमारे यहाँ पे सहरी कैसी होती है भाई, सारे सबकी आंखें ऐसे हुई हैं, हम ऐसे बैठे हैं, पता नहीं आवर मदर्स आर द ओनली एक्टिव पीपल सहरी के टाइम पे, हम सब तो ऐसे बैठे हैं टावल डाल के बैठे हैं, पता नहीं पोछ के निकल गए फिर भी पोछ रहे हैं, हम अभी जब मुँह धो के आए थे पता नहीं क्या, सबको गुस्सा है, सबको पता नहीं किस बात से गुस्सा होता है, नींद से जाते नींद होता है, सबको इरिटेशन होता है सबको। बेसिकली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पिछले 3-4 साल से नहीं किया क्योंकि हम लोग जागते रहते हैं रात भर,
वो एक्सपीरियंस वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है 3-4 साल पहले हम लोग सोते रहते हैं, मॉम उठाती रहती थी, हम लोग उठते नहीं थे यार, उठते हैं 10 मिनट है तो घाब रहे हो कि यू नो सडन से उठना, जल्दी जल्दी खाना, नमाज को भागना। लेकिन फिर भी एड्स मतलब जैसे एड्स में दिखाते हैं ना कि शहरी खा देते हैं फ्रेश टिप टॉप है सारे के सारे, मस्त बैठ के फ्रेशनेस है, मजाक कर रहे हैं। लेट अस नो कि आपकी शहरी कैसी होती है। आई डोंट थिंक रमजान में ऐसे कुछ मजाक वजाक चलते होंगे शहरी के टाइम पे, बिकॉज सब नींद में होते हैं इतनी रात को, तो ऐसा होता है यहाँ पर। लेकिन जैसे कि यू सेट के बातें कहते हैं एंड देन सहरी हैपेंस, तो मे बी उन्होंने शो के लिए बनाया होगा, अदरवाइज तो एक नॉर्मल इंसान को एक पूरी की पूरी फैमिली को रात भर जगना इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल या लेकिन उतना फ्रेश होना नॉट पॉसिबल, मस्त कपड़े वपड़े पहन के वो तो ड्रामा में जैसा होता तो वैसा तो होना पॉसिबल है ही नहीं। सो या हम तुम फन ड्रामा आप लोग जरूर देखेंगे, ड्रामाज हम तुम देखेंगे, चौधरी अंसन देखेंगे, एंड आई थिंक एक और एक नाम है मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था, उसके ऊपर रिएक्ट करो, दैट इज कॉल्ड परिस्तान, वो भी एक रमजान ड्रामा आने वाला है, हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो कितने हैं सारे टोटल? सो 3-4 ड्रामा शायद आने वाले हैं एक ही वक्त पे, एक ही स्लॉट पे, दे आर डिफरेंट चैनल्स राइट, लेकिन एक ही स्लॉट पे आई थिंक आधा घंटा एक घंटा पीछे। द बेस्ट पार्ट इज कि आजकल इंटरनेट है तो जब होना तब आप देखो, कोई भी देख सकते हो, पहले तो ऐसा नहीं था कि पहले ऐसा वक्त देखा है मैंने जब लोग सोनी से जिस सिनेमा स्वैप करते थे वहां ब्रेक आया तो वहां 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 वहां, क्योंकि अच्छे शोज एक ही स्लॉट पर तो स्वैप स्वैप करके क्योंकि फिर दोबारा देने का मौका मिलता नहीं था, और जब आते थे तब मिडनाइट में आते तो देख नहीं पाते, और हां वो रिपीट टेलीकास्ट दिन में। एंड देयर इज अनदर थिंग वी गॉट इन्फॉर्मेशन कि वहां पर डे में शोज नहीं होते, अच्छा सिर्फ नाइट शोज में, नाइट में ही होते हैं, डे में सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट होते हैं वहां पर। अच्छा देयर वाज वन गाय हु कमेंटेड दैट, हम उन लोगों ने डिस्कस किया था कि वहां पर डे शोज होते हैं, सो वहां पर डे शोज नहीं, दिस आई रिमेंबर बिकॉज इट्स वेरी रीसेंट, तो याद होता है थोड़ा थोड़ा सा, एक महीने बाद पूछो तो पूछ याद नहीं होता। So yeah, this was our reaction on Hum Tum teasers, and thank you so much for all your love and support, guys. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए for more entertainment. You can follow us on Instagram, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। This is Mohammad Shabis. Mohammad Inayat. Signing off. मैंने साइलेंट पे रखा था फोन।